कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा वाहन चालकों को निर्देश दिए गए थे कि वो किराए में वृद्धि करें, मगर अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वाहन चालक मनमर्जी कर रहे हैं और किराया अधिक ले रहे हैं। इसको लेकर एआरटीओ रजौरी समीर शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने टीम गठित की है और जगह जगह पर नाके लगाकर किराया ज्यादा लेने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं जो ज्यादा किराया ले रहे हैं। सरबजीत सिंह की रिपोर्ट। मुझे कंप्लेंट चाहिए तो अब उसके जैसे आपने कहा कि पहले किराया बढ़ा था वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया जब हमारा लॉकडाउन खुल गया और ट्रांसपोर्टेशन चल पड़ी, तो उसके मतलब जो पहले आरटीओ साहब थे वो भी काफी चेकिंग कर रहे थे और जो गाड़ियां उनमें हम फेयर डिस्प्ले कर रहे थे कि भाई जो किराया है आपको वो जो 2018 की नोटिफिकेशन के मुताबिक है जो पुराना वही लेंगे और जो कोविड के दौरान किराया बढ़ाया गया था उसको अब नहीं लेंगे। फिर भी कुछ उसके ऊपर हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसलिए मैंने आते ही दो दिन जो है टोटली स्पेयर कर दिए हैं और इसके अलावा मैंने इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्शन दी है कि रूटीन ऑफिस काम हमारा 3-4 बजे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो रोज डेली 1-2 घंटे रूट्स के ऊपर निकले ताकि ये जो कंप्लेंट्स ओवरचार्जिंग की आ रही है उन वायलेटर के अगेंस्ट, उन व्हीकल वालों के अगेंस्ट जो ओवरचार्जिंग कर रहे हैं अभी भी, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोल दिया है कि उनके परमिट सीज किए जाएं, लाइसेंस सीज किए जाएं ऐसे ड्राइवर्स के ताकि उनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकें और परमिट भी सस्पेंड कर सकें।